हट के अलग से कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है टेलीविजन पे, और वो भी लाइव होके उनको फुल सपोर्ट कर रही है, उनको कह रही है कि हाँ आप घिसा पिटा शो मत कीजिए, रोमांटिक स्टोरी मत कीजिए, सास बहू वाली कहानी मत बताइए, आप कुछ अलग बताइए, तो ये कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ मुझे भी इनका साथ देना चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, इन नॉन फिल्मी वे, विदाउट अननेसेसरीली टॉम टॉमिंग अबाउट इट, हम लोग प्यार से काम कर रहे हैं। और मुझे कल फिर आके काम करना है, ये आज भी लगता है कि हाँ मुझे कल आना है, बिकॉज देर इज़ समथिंग मोर दैट वी कैन डू एंड समथिंग नाइस एंड ऑफ द डे। एक अच्छा काम करके वापस जाने का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये सब मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आई थिंक आपके सवाल का परफेक्ट और एग्जैक्ट जवाब संजय जी दे पाएंगे। क्या आपने इतने से सवाल, किस तरह का शो है, किस तरह का कंसेप्ट है? ये एक डॉक्टर लड़की की जर्नी है, जो अपनी जर्नी में अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ दोनों को रीडिस्कवर करती है। Yes, we did go to London. We shot, a lot of the show in London, and it was an amazing experience. जब आप एक real location जहाँ की story दिखाई गई है वहाँ जाकर shoot करते हो तो एक authentic feel आता है. So yes, it was amazing. ऐसा हो रहा था, please बताइए. मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ये करना है इसलिए ये ट्राई करूं ऐसा कभी किया नहीं। तो टीवी शो के लिए मैं कोई ट्राई तो कर नहीं रहा था। इनफैक्ट आपने बड़ी अच्छी बात की कि इतने सालों बाद आ गए। आई प्रॉब्ली स्टॉप्ड एक्टिंग व्हेन यू वर नॉट इवन बॉर्न, तो मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। उस तरह की अच्छी चीज़ मैंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ हो जो करने के लिए मन करता हो, जो कहने के लिए एक अच्छा लगता है, और कल सुबह आके काम करने का जी करता है। ऐसी चीज़ जब सामने आती है तो ना करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीज़ ये संजय लेके आए और मुझे अच्छा लगा। The approach of the production team I liked very much, and whatever was told to me or whatever was promised to me I am experiencing it, I am enjoying it here every day on set. This is probably one of the most non-filmy atmosphere that we all enjoy on sets. It is also the kind of horror stories that I had heard from my colleagues about the television scenario and particularly daily soaps. Jis tarah se shootings hoti hain, how people have to work around the clock and all kinds of things, though, which I was very scared and worried. Assured that nothing of that sort happens here, and which I have experienced, and I can vouch for that we are working nicely as professionals, we are enjoying our work, and jaise yahan pehle kaha gaya, I think I, to me at my age today and this stage of my career, it is extremely important that I feel like coming back next day and look forward to work, which I am doing. The moment I stop doing it, I have told them already, forewarned them, that the moment I stop doing that, I will withdraw from that, because
I don't believe in working if I'm not enjoying that. Because unless I enjoy what I'm doing, I can't make you enjoy that. This is what I have always believed in. And this is what we are doing. I am having a ball here, absolutely. And we can talk about it in more details if you want, but let me not hog all the limelight and all the things. Please go ahead and ask other people too. बिल्कुल भी नहीं, ये पूर्ण रूप से मौलिक रचना है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो इसका किसी भी सीरीज से कोई लेना देना। थैंक यू। गिव माय रिस्पांस टू दैट क्वेश्चन। आई डोंट वॉच मच ऑफ टीवी, बट सम ऑफ द अमेरिकन्स, आई बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन देयर इज एनीथिंग फ्रॉम दैट हाउस का एच भी यहाँ नहीं है। That's a very as not as part of the team but as a TV watcher. दूसरा भाई, हेलो। वैसे हमने जितने सारे शोज देखे हैं कि बहुत सारे सीरियल में रोमांस होता है, लेफ्ट में रोमांस करते हैं डॉक्टर्स, बट आप इस रोशनी सीरियल में कहाँ पे रोमांस करते हुए हमें दिखाई देते हैं? Exactly. Thank you. Any other questions? Hello, sir. I'm from CNN IBN.